नमस्कार दोस्तों, राइट क्लिक टीवी में आप सब लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, अल्टीमेटली मेरे जो चाहने वाला चीज है हम लोगों का हाथ में आ गया है, वो है IGI मिनी एक फ्लाई मोर कॉम्बो ड्रोन। और ड्रोन सब लोगों का सपनों का चीज होता है, मेरा सपनों का चीज मेरा अभी हाथ में है। अभी ये ड्रोन हम लोग अनबॉक्स करके इसके अंदर में क्या क्या है सब देखेंगे और इसको फ्लाइंग टेस्ट भी करेंगे। हम लोगों का जो इंडियन मेड IGI वाला ड्रोन है, ये ड्रोन कैसा है और ये जो मिनी ड्रोन नया लॉन्च हुआ है ये कैसा है, सब कुछ आपको दिखाएंगे और इसका कैमरा टेस्ट भी करेंगे, सब कुछ करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। चलिए अभी ड्रोन को खोल के देख लेते हैं बॉक्स के अंदर में क्या क्या है, सब कुछ अभी देखेंगे। तो जो पैकिंग है बहुत ही अच्छा सा पैकिंग किया है और देखते हैं कहाँ से शुरू करें। देखिए इसका एक बॉक्स आपका इसके साथ आता है और इसका जो ब्रांड है IGI मेड इन इंडिया ब्रांड है और यही है आपका ड्रोन। एकदम प्यारा सा ग्रीन कलर का जो ड्रोन है वो है यही मिनी ड्रोन IGI मिनी X। एक कॉम्बो किट है, फ्लाई मोर कॉम्बो। इसके साथ दो बैटरी एक्स्ट्रा मिला है। तो ये एकदम 4K है, 20 मेगापिक्सल कैमरा है और 249 ग्राम, मतलब 250 ग्राम का नीचे है, जिसमें बहुत कुछ फैसिलिटी मिलता है फ्लाइंग के लिए। इसको भी खोल के देखते हैं बॉक्स के अंदर में और क्या क्या चीज़ है। और IGI का जो ब्रांड है IGI ब्रांड और इसके साथ स्पेसिफिकेशन भी है, लेकिन यहाँ पर जो MRP है वो है 79,999, मतलब 80,000 का MRP इसमें है। और एक राज की बात आपको बताते हैं कि IGI मिनी X नैनो फ्लाई मोर कॉम्बो जो ड्रोन है वो आपको अमेजोन में मिल जाएगा 43,000 में। और आपको IGI मिनी X नैनो 4K जो ड्रोन है जिसमें कॉम्बो किट नहीं आता है वो आपको 35,000 में मिल जाएगा। और यही चीज अगर आप IGI का जो वेबसाइट है यही वेबसाइट से आप लेने से आपका कॉम्बो ड्रोन आपको 3,000 रुपया कॉम में मिल जाएगा और नॉर्मल जो नैनो ड्रोन है वो आपको 2,000 रुपया कॉम में मिल जाएगा। तो इसीलिए आपको जाना है यही IGI कार्ट जो वेबसाइट है, इसी वेबसाइट में आप इसी वेबसाइट में आ जाइएगा। आ जाने के बाद आप देखिएगा ऊपर में प्रोडक्ट्स का अंदर में है ड्रोन, ये ड्रोन में आइएगा और देखिएगा कि ये IGI मिनी X नैनो जो फ्लाई मोर कॉम्बो है वो आपको ओनली 40,000 में मिल जाएगा, जो अमेजोन में 43,000 रेट है। तो आपको अगर इंडियन ड्रोन आपको लेना है तो इसका जो वेबसाइट है उसी वेबसाइट से लीजिएगा, तो इसमें आपको 3,000 रुपया फायदा होगा। और नॉर्मल ड्रोन लीजिएगा तो इसमें 2,000 रुपया आपको फायदा है। तो अगर आप वेबसाइट से लेते हैं तो आप लोग समझ चुके हैं कि कहां से आपको लेना है। आप जैसे चाहते हैं वैसे ही आप कीजिएगा। ये हम IGI का जो वेबसाइट है वेबसाइट से लिया है और ये इसको ओपन करके हम लोग अभी देखेंगे। और इस पास देखिए इसके साथ एक बैग भी मिला है। ये जो बॉक्स है बॉक्स के अंदर में ये इसको बैग आपको मिल जाता है। देखिए बहुत प्यारा सा बैग है, इस बैग से हम लोग इसको कैरी कर सकेंगे। ऐसे कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। खुल गया और इसके अंदर में एक बुकलेट है, ये बुकलेट आपको मिल जाता है। और बैग के अंदर में और क्या क्या चीज़ है अभी आपको दिखा देते हैं। ये है आपका RC, देखने में बहुत ही छोटा है और यहाँ ज़्यादा फंक्शन की भी नहीं है,
छोटा सा है, इसके लिए यहाँ पर दो टो एंटेना है, एंटेना से काम होता है, पीछे भी स्विच है, और मोबाइल में लगाने के लिए यहाँ पर आपको होल्डर भी है। देखिए स्विच ऑन होने से ही ये ऑन भी हो गया है, ऑफ कर देते हैं अभी ये है। और इसके बाद हम लोग खोलेंगे ड्रोन को, देखिए यह ड्रोन खुल गया आ गया हमारा हाथ में, एकदम छोटा सा प्यारा सा ड्रोन है, एकदम हाथ में आ जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि एकदम मेरा हाथ में आ गया है, ये छोटा सा प्यारा सा ऐसा ड्रोन आपको मिल जाता है, ये ड्रोन आपको ऐसा ही मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका प्रोपेलर इसे एकदम लगा हुआ है, खाली ये सब खोलने से ये आपका चालू हो जाएगा। और यहाँ पर जो लॉक है, इस लॉक को खोलने से ये भी खुल गया है। और यहाँ पर जो गिम्बल कैमरा है, गिम्बल कैमरा यहाँ से दिखाई देता है, देखिए ये गिम्बल कैमरा है। और इसके ऊपर एक तो कवर है, ये कवर खोलने से ये कैमरा आपको दिखाई देगा। और इसके अंदर में और क्या है वो भी देख लेते हैं। यह है चार्जर हब, चार्जर हब कैसे होता है देखिए, चार्जर हब है, केबल का बॉक्स है, चार्जर हब देखिए, चार्जर हब आपकी उसको भी खोल के दिखाते हैं। ये है चार्जर हब, ये प्राइम और कॉम्बो का पास कॉम्बो में आता है। और ये देखिए ये चार्जर हब, इसमें तीनों बैटरी लग जाता है और इसको चार्ज भी होता है इसमें। और देखिए साइड में ये है तीनों बैटरी, इसको भी खोल लेते हैं। ये है इसका तीनों बैटरी, ये तीनों बैटरी इसमें कॉम्बो में आता है। और इसमें ऐसा करके चार्जिंग में बैठ जाता है, देखिए आप इसमें देने से ही ये ग्रीन लाइट जो ब्लिंक होना शुरू हो गया, ये फ्लाई मोड कॉम्बो के साथ आता है तीनों बैटरी, नहीं तो एक ही बैटरी आता है। बैग का इसका बेल्ट है, ये बैग का बेल्ट यहाँ पर हम लोग लगा के इसको यूज कर सकते हैं, बैग का बेल्ट इसमें लगा के हम लोग कैरी कर सकेंगे। और इसका साथ और क्या क्या है वो भी देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक तो चेन है, चेन के अंदर में कुछ केबल भी दिया है। और इसका साथ पॉपुलर भी है, चार तो पॉपुलर और स्क्रू ड्राइवर स्क्रू सब इसका साथ में है, इसमें एक्स्ट्रा चार्टो पॉपुलर दिया जाता है। और इसमें तीन तो केबल रहता है, आपका जैसा फोन होगा उसी से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका टाइप सी चार्जर है तो आप टाइप सी लगा सकते हैं, नहीं तो आपका जो टाइप टू है वो भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप आईफोन हो सकता है तो आईफोन में इधर चार्जर लगता है, आईफोन का चार्जर भी है। जैसे कनेक्टिविटी चाहिए वैसे ही तीन तो केबल इसमें दिया है, तो आपको जैसा केबल ज़रूरत होगा वो तीनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं। ये तो पूरा चीज़ आपको मिल गया है। और लास्ट में आपको दिखा देता है यूज़र गाइड, IGI मिनी एक्स का यूज़र गाइड आपको दिखा देते हैं, इससे आपको पूरा गाइडेंस मिल जाएगा। और इसमें एक तो ऐप होता है, QR कोड है, इस QR कोड को स्कैन करने से वो ऐप आपका मोबाइल में आ जाएगा, नहीं तो आप प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड करके आप काम कर सकते हैं। ऐप का नाम है वो है Sky Eye ऐप, आप ये प्ले स्टोर में जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो बारकोड स्कैन करने से Sky Eye जो ऐप है वो आ जाएगा, तो आप यूजर गाइड देख के वो कर लीजिएगा। तो इसका साथ में क्या क्या चीज़ आ गया है आप देख लीजिए, एक तो ये ड्रोन आ गया, यूज़र गाइड है, ड्रोन है, ये तीन सौ बैटरी का सेट है, इसमें एक्स्ट्रा पॉपुलर है, इसमें कैमरा गार्ड है, तीन ठो केबल है कनेक्ट करने के लिए, और इसमें ये रिमोट होता है, रिमोट से आप उसका काम कर सकते हैं, ये रिमोट भी मिल जाता है इसके साथ। और इसके अंदर में क्या है ये खाली देख लेते हैं। और इसमें और भी केबल है, इसमें चार्जर का केबल,
इसमें आपको चार्ज, इसको चार्ज दिया जाता है। ये चार्जर का एक तो केबिल और अडोप्टर इसमें है, ये पावर अडोप्टर इसमें दिया है और टाइप सी का इसमें केबिल दिया है जो इसको चार्ज किया जाएगा। और एक चीज़ आपको दिखा देते हैं, इसमें एसडी कार्ड लगाने का भी जगह है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें एसडी कार्ड भी लगता है, तो एसडी कार्ड इसमें लगा के तब यूज़ करना है। तो हम लोग अभी इसको इससे एक तो बैटरी निकाल लेंगे और बैटरी निकालने के बाद इसमें इंसर्ट करके देखेंगे कि कैसे होता है। देखिए ये ग्रीन लाइट ब्लिंक करना शुरू कर दिया, मतलब ये कनेक्ट हो गया है। पावर ऑन ऑफ स्विच है, ये पावर ऑन ऑफ यहाँ पर स्विच है, इसमें पावर ऑन प्रेस करने से 3 सेकेंड होल्ड करने से देखिए इसमें आवाज़ होना शुरू कर दिया है। देखिए इसका जो कैमरा है गिम्बल कैमरा वो भी काम करना शुरू कर दिया है और वो अभी उसको एडजस्ट करने का कोशिश कर रहा है। अभी और एक चीज़ आपको दिखाएंगे कि जो पैकेट है इसके अंदर में दो जॉयस्टिक भी है, ये जॉयस्टिक रिमोट में लगाने पड़ता है, इसको इसे लगा देने से ये काम करता है। तो दोनों ये जॉयस्टिक इसमें लगाने पड़ेगा, तो ये इसे जॉयस्टिक भी हमको मिल गया है, इससे जॉयस्टिक से हम इसको अप डाउन ऊपर नीचे रोटेट सब कुछ कर सकते हैं। तो ये जॉयस्टिक भी इसके साथ में आता है। तो ये रहा आपका पूरा सेटअप, अभी हम आपको बाहर ले जाके दिखाएंगे कि ये ड्रोन कैसे उड़ता है और इसका क्या क्या फंक्शन है, कैसे काम करता है, सब कुछ हम अभी बाहर में ले जाके आपको दिखाएंगे। তো বন্ধুরা আমরা এখন চলে এসেছি ওপেন এয়ারের ছাদের মধ্যে, এখান থেকে আমি ড্রোনটাকে ফ্লাই করব। তো এখন আমি এটা কানেক্ট করব আর কানেক্ট করে এটাকে ফ্লাই করার চেষ্টা করছি। এই হচ্ছে আমার ড্রোন, আর এই ড্রোনটা প্রথমে এটাকে আনফোল্ড করতে হবে। ড্রোনটা আনফোল্ড করতে গেলে প্রথমে ওপরের যে ডানাগুলো আছে সেগুলো আপনারা আনফোল্ড করবেন এবং তারপর নিচের দিকে ডানাগুলো আনফোল্ড করে নেবেন। আনফোল্ড করে নেওয়ার পর মোবাইলের সঙ্গে কানেক্ট করার চেষ্টা করব। এই ড্রোন আমি এখানে নিচে রেখে দিলাম আর এখানে আপনাদেরকে আমি দেখাবো যে কীভাবে কানেক্ট করতে হচ্ছে। তো এখানে যে অ্যান্টেনাগুলো আছে সেই অ্যান্টেনাগুলো আপনাদের খুলে নিতে হবে। অ্যান্টেনা খুলে নেওয়ার পর নিচের মোবাইলের জন্য যে ট্রেটা আছে সেটা কিন্তু আপনাদেরকে খুলে নিতে হবে। এই মোবাইলের ট্রেও এটা এখান থেকে খুলে নিলাম, আর খুলে নেওয়ার পর আমার যেটা মোবাইল আছে সেই মোবাইলটা এই ট্রের মধ্যে আমি লাগিয়ে দেবো। আর এর জন্য একটা কেবিল পাওয়া যায়, এই কেবিলটা কিন্তু এর সঙ্গে কানেক্ট করতে হয়। তো কেবিলটা কানেক্ট করার জন্য এখানে কিন্তু জ্যাকের লাইন দেওয়া রয়েছে, এই জ্যাকের লাইনটা যাতে এই মোবাইলের সঙ্গে কানেক্ট করা যায় তার জন্য এই দুটো জ্যাকের লাইন আমি একদিকেই রেখেছি। এখন আমি এটা কানেক্ট করছি, আমার ট্রেতে মোবাইলটা লাগানো হয়ে গেছে, অ্যান্টেনা খোলা হয়ে গেছে, এবার মোবাইলটার সঙ্গে আমি কানেক্ট করছি। এখানে যে জ্যাকটা রয়েছে সেই জ্যাকটা এখানে দিয়ে দিলাম আর আমার মোবাইলে টাইপ সি যে জ্যাক রয়েছে সেই টাইপ সি জ্যাকটা লাগিয়ে দিলাম। আমার মোবাইলের সঙ্গে এই আরসিটা কিন্তু কানেক্ট হয়ে গেছে। এখন আমার যে অ্যাপটা আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম আইইআই স্কাই বলে যে অ্যাপটা আছে সেই অ্যাপটাকে আমাকে এখন ওপেন করে নিতে হবে আর এটা কানেক্ট করার চেষ্টা করতে হবে। আর এখান থেকে এর পেছনে যে সুইচটা রয়েছে এই সুইচটা অন করতে হবে। তার আগে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই যে এখানে কিন্তু একটা মেমোরি কার্ড ঢোকাবার জায়গা রয়েছে। আমি একটা 128 GB এই মেমোরি কার্ড লাগিয়ে নিয়েছি, এই মেমোরি কার্ডটা এখানে কিন্তু ইনসার্ট করে দিতে হবে। আর আপনাদেরকে দেখিয়ে রাখি যে এই যে ব্যাটারিটা, এই ব্যাটারিটা কিন্তু এর পেছনে লাগিয়ে নিতে হয়। যারা কম্বো প্যাক নেবে তাদের 3টে ব্যাটারি থাকবে, 3টে ব্যাটারির মধ্যে যে কোনো একটা ব্যাটারি আপনারা এখানে লাগিয়ে দেবেন, তাহলে যে কট করে আওয়াজ হবে তাহলেই কিন্তু এটা পুশ হয়ে গেছে। এবার এখান থেকে যদি আমি 3 সেকেন্ড প্রেস করে রাখি তাহলেই কিন্তু দেখুন এখানে ব্যাটারির সঙ্গে এটা কানেক্ট হয়ে গেছে এবং ড্রোনটা রেডি হয়ে গেছে। এবার ড্রোনটা আমি এখানে রেখে দিচ্ছি আর আমার মোবাইলের যে রিমোট কন্ট্রোলটা রয়েছে সেই রিমোট কন্ট্রোলের যে সুইচ রয়েছে সেই রিমোট কন্ট্রোলের সুইচটাও কিন্তু আমি এখান থেকে
অন করে দিলাম। এখানে আমার ব্যাটারি চলে গেছে, এই যে রেড লাইটটা জ্বলছে এটা যতক্ষণ না গ্রিন হচ্ছে ততক্ষণ এটা কানেক্ট হয় না। এখান থেকে স্যাটেলাইট পাওয়ার পরেই কিন্তু এটা কানেক্ট হয়ে যাবে, আর কানেক্ট হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এখান থেকে নাম চলে আসবে এবং এখানে কানেক্টেড বলে দেখাবে। দেখুন এখানে যে গ্রিন লাইটটা রয়েছে সেই গ্রিন লাইটটা কিন্তু জ্বলে উঠেছে। অতএব আমার এই আরসির সঙ্গে আমার যে ড্রোন রয়েছে সেটা কিন্তু কানেক্ট হয়ে গেছে। এখানে ওকে অপশান আসছে, আমি এখানে ওকে করে দিলাম, তাহলেই কিন্তু এটা এখানে আমার ড্রোনের নাম দেখাচ্ছে এবং এখানে দেখাচ্ছে স্টার্ট ফ্লাইং। এবার স্টার্ট ফ্লাইং করব, আমরা ফ্লাইংয়ের জন্য একদম রেডি হয়ে গেছে। আর স্টার্ট ফ্লাইং যখনই করব এখানে আমার ক্যামেরাটা দেখাবে, যে ড্রোনের যে ক্যামেরাটা আছে সেই ক্যামেরাটা দেখাচ্ছে। তবে একটা জিনিস, যারা ফ্লাই করবেন তার আগে কিন্তু এই ক্যামেরার যে কভারটা থাকে সেই কভারটা খুলে নেবেন, তাহলে কিন্তু এই ক্যামেরাটা দেখাবে। তো এখানেও আমার এখান থেকে ক্যামেরাটা দেখাচ্ছে। এবার আমি স্টার্ট ফ্লাইং করব, আর ফ্লাইং করার সময় কিন্তু এখানে টেক অফ অপশান রয়েছে, টেক অফ অপশানে ক্লিক করতেই একটা ওকে বলে যে অপশান এসছে সেটাকে ওকে করলাম। দেখুন আমার যে ড্রোনটা কিন্তু ফ্লাই করা শুরু করে দিয়েছে, আর এই অবস্থায় কিছুক্ষণ ওড়াবার পর তাহলেই কিন্তু এটা ওপরে নিয়ে যাওয়া যাবে। যদি আমি মনে করি এবার আমি আরও ওপরে নিয়ে যেতে পারবো। তো আমার এখান থেকে সব রেডি আছে, আমি যদি উপর দিকে নিয়ে যেতে চাই তাহলে এই যে অপশানটা রয়েছে এই অপশানটাকে আমি একটুখানি ওপরে নিয়ে গেলেই উপর দিকে যাবে, আর নিচে নিয়ে এলেই এটা নিচে আসবে। এইভাবে আমরা উপর নিচে করতে পারবো। যদি ডাইনে বাঁয়ে যেতে চাই তাহলে আমরা এদিকে এদিকে ঘোরাতে পারবো, আর আমরা এখন উপর দিকে নিয়ে যাব, তাই এই ড্রোনটা এখন আমরা উপর দিকে নিয়ে যাচ্ছি। এখন উপর দিকে, আর এখানে রয়েছে রেকর্ডিং অপশান, আমি এটা প্রেস করলেই আমার রেকর্ডিংও চালু হয়ে যাবে এবং উপর থেকে কীরকম দেখাচ্ছে সেটাও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমার ড্রোনটা কিন্তু এখন একদম উপর দিকে ফ্লাই করছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন একদম উপরে এটা ফ্লাই করছে।